नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है मौर्य प्रशासन। इसके पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य का दो वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो में हम लोग ने पढ़े थे क्या कि प्रमुख मौर्य शासक कौन कौन थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ऐसे अगर ओवरऑल देखा जाए कुल शासक कितने थे, तो कुल 9 से 10 शासक थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 से 4 शासक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें देखे थे संस्थापक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, और अंतिम शासक के रूप में हम लोग अध्ययन किए थे बृहद्रथ के। ठीक है, बृहद्रथ। ठीक, और दूसरे वीडियो में हम लोग ने अध्ययन किए थे कि दूसरे वीडियो में मौर्य कला के बारे में और अशोक के शिलालेख के बारे में, ठीक है, विस्तार से अध्ययन किए थे। आज का यह मौर्य साम्राज्य का तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो है। तीन वीडियो के माध्यम से हम लोगों का मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मौर्य प्रशासन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कितना था। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत विशाल साम्राज्य था। ठीक है, एक विशाल साम्राज्य के तौर पर मौर्य साम्राज्य को प्राचीन काल में जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन भारत में जाना जाता था। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में कहाँ तक है, पूर्व में बंगाल तक का इसका विस्तार है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक इसका विस्तार है। ठीक है, और उत्तर में देखा जाए, इसको उत्तर कर लीजिए, उत्तर में देखा जाए, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक इसका विस्तार है। तो बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसका विस्तार था मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का। ठीक है, और इतने विशाल क्षेत्रफल पे इसका विस्तार होने के बावजूद इसका राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र था। इसका केंद्रीकृत राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र। कहाँ था, पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांत, मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे, तो 5 प्रांत थे। ठीक है, 5 प्रांत कौन कौन, एक है उत्तरापथ, दूसरा है दक्षिणापथ, तीसरा है मध्य क्षेत्र, चौथा है अवंती पथ, और 5वां है कलिंग। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत था। कितने प्रांत था, तो 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन जब 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध किया गया और कलिंग पे विजय प्राप्त किया गया, तब 5वां प्रांत कलिंग बना। ठीक है, 5वां प्रांत कौन बना, कलिंग। ठीक, तो उत्तरापथ का देखते हैं राजधानी कहाँ थी, तो उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र, और पूरे मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, पूरे मौर्य साम्राज्य की राजधानी अगर पूछा जाए तो जवाब क्या देना है, पाटलिपुत्र, और मध्य क्षेत्र की राजधानी पूछा जाए तो पाटलिपुत्र। ठीक है, मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र हो गया, अवंतीपथ की राजधानी हो गया उज्जैन, ठीक, और कलिंग की राजधानी तोसली। ठीक, अशोक के द्वारा कौन से प्रांत को बनाया गया, तो अशोक के द्वारा कलिंग को प्रांत बनाया गया। किसको प्रांत बनाया गया, कलिंग को। कलिंग विजय होने के बाद कलिंग को प्रांत बनाया गया। ठीक है, और इन प्रांतों में राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता था। अवंती का जो है, अगर देखा जाए तो अशोक शासक बनने के पहले कहाँ का शासक था, तो अशोक शासक बनने के पहले अवंती का शासक था। कहाँ का शासक था, तो अवंती का शासक था। ठीक है, और मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, प्रांत को चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, तो चक्र कहा जाता था। ठीक है, और इसमें देखते हैं प्रांत के प्रशासक, जो प्रशासक होता है, प्रांत के प्रशासक को क्या कहा जाता था, कुमार। प्रशासक को कुमार कहा जाता था, या फिर कह सकते हैं आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। प्रांत के प्रशासक को कुमार
आर्यपुत्र या राष्ट्रिक, ठीक है। और प्रांत के नीचे इसको देखा, अभी वर्तमान स्थिति जैसा है हम लोगों का, एक राज्य होता है, राज्य के नीचे जिला होता है, जिला के नीचे प्रखंड होता है और गांव होता है। तो उस समय क्या था, प्रांत था, प्रांत के नीचे विषय, विषय के नीचे ग्राम, तीन लेवल में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो प्रांत के प्रमुख को कुमार कहा जाता था और विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था, विषय के प्रमुख को क्या कहा जाता था, विषयपति, ठीक। और ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था, ग्राम के प्रमुख को, ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था, ग्रामिक। जबकि 10 गांव को, अगर एक गांव रहेगा तो ग्रामिक हो गया, ठीक है। और 10 गांव मिला के अगर एक प्रधान होता है तो उसको क्या कहा जाता था, उसको गोप कहा जाता था। 10 गांवों को मिलाने के बाद जो प्रधान होता था, एक आदमी जो प्रधान बनता था उसको गोप कहा जाता था, और एक गांव का जो प्रधान बनता था उसको ग्रामिक कहा जाता था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि शासन व्यवस्था कैसा था। मौर्य समाज का शासन राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक था और केंद्रित था। राजा ही सर्वे सर्वा था, सभी विभागों का जो है प्रमुख राजा ही होता था, राजा का ही अंतिम फैसला होता था। किसी भी विभाग से जुड़े हुए कोई भी मामला हो उसका फैसला, अंतिम फैसला राजा का ही होता था, ठीक है। तो प्रशासनिक क्षेत्र हो, सैनिक क्षेत्र हो या न्यायिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों का, सभी विभागों का प्रमुख कौन होता था, तो राजा होता था। क्योंकि केंद्रित शासन व्यवस्था था, मौर्यकालीन समाज कैसा था, केंद्रित शासन व्यवस्था था, एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक अमात्य है, अमात्य किसको कहा जाता था, प्रशासनिक अधिकारी को, प्रशासनिक विभाग का जो अधिकारी होता था उसको अमात्य कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अमात्य, ठीक है। और एक है तीर्थ, क्या है, तीर्थ, तीर्थ किसको कहा जाता था, तो शीर्षस्थ अधिकारी, किसी प्रशासनिक को छोड़कर और जितने विभाग हैं, और जितने विभाग हैं उन सभी विभागों के उच्च अधिकारी को, उच्च पद वाले अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। अमात्य और तीर्थ जो है राजा को सहयोग करता था, राजा को सहयोग करता था, एक तरह से इसको राजा का सहयोगी माना जाता था, ठीक है, इसको राजा का सहयोगी माना जाता था, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख अधिकारी की मौर्य काल में कौन कौन से प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, कौन कौन से किसी विभाग का उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, उस अधिकारी का नाम क्या दिया गया था मौर्य काल में। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि विभाग, कृषि विभाग के अध्यक्ष जो होता था, कृषि विभाग के जो प्रमुख होता था, अध्यक्ष कर सकते हैं, प्रमुख कर सकते हैं या फिर प्रधान कर सकते हैं, तो कृषि विभाग के जो अध्यक्ष होता था उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, सीताध्यक्ष, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक है सीता भूमि, एक क्या है, सीता भूमि, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, सरकारी भूमि को सीता भूमि, ठीक। यहाँ हम लोग प्रमुख अधिकारी देख रहे हैं कि कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष, ठीक है। वाणिज्य एवं व्यापार का अध्यक्ष, वाणिज्य एवं व्यापार विभाग का अध्यक्ष को पन्याध्यक्ष, वाणिज्य एवं व्यापार विभाग के अध्यक्ष को पन्याध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था, पुलिस ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था, रक्षिन कहा जाता था, रक्षिन, ठीक। नेक्स्ट है महालेखाकार, महालेखाकार को अक्षपटलिक, महालेखाकार को अक्षपटलिक कहा जाता था, ठीक। नेक्स्ट है समाहर्ता, नेक्स्ट क्या है, समाहर्ता जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग के अध्यक्ष को समाहर्ता कहा जाता था, बहुत महत्वपूर्ण पद था, ठीक है, राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ, राजस्व विभाग का प्रमुख समाहर्ता, ठीक। न्याय विभाग का प्रमुख रजू, और गुप्तचर विभाग का प्रमुख को महामात्या परसर्प कहा जाता था, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था, महामात्या परसर्प कहा जाता था, ठीक है। एक है अस्त्राध्यक्ष, महिलाओं के नैतिक आचरण को जांचने वाले, देख नैतिक आचरण को जांचने वाले, परखने वाले या कर सकते हैं देखने वाले अधिकारी को अस्त्राध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। इसमें से बहुत सारा है, तो इसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, एक है सीताध्यक्ष, एक पन्याध्यक्ष,
रक्षिण, समाहर्ता, रजूक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैन्य विभाग कि सैन्य विभाग जो है मौर्यकालीन समाज में, मौर्य साम्राज्य में सैन्य विभाग क्या था, एक अस्थाई सेना था, इसको वेतन दिया जाता था, ठीक है, इसको वेतन दिया जाता था, अस्थाई सेना था। और चंद्रगुप्त का प्लिनी का कहना है कि चंद्रगुप्त के समय पैदल सैनिक में कितना सेना था, तो 6 लाख सेना था, पैदल सैनिक में 6 लाख सेना था और घुड़सवार में 30,000 सेना, हाथी सेना 9,000, रथ सेना 8,000, ठीक है। यह किसका कहना, प्लिनी के अनुसार से कि चंद्रगुप्त का मौर्य के समय में 6 लाख पैदल सेना था, 30,000 घुड़सवार सेना था, 9,000 हाथी सेना, 8,000 रथ सेना, ठीक है। और सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसको सेनापति, सैन्य विभाग के प्रमुख को सेनापति कहा जाता था, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं न्यायिक मामला, न्यायिक क्षेत्र में क्या है, न्यायिक व्यवस्था इसका देखते हैं। तो इसका दो प्रकार का न्यायालय हुआ करता था, क्या था, दो प्रकार का न्यायालय, एक था कंटक शोधन और एक था धर्मस्थयी। कंटक शोधन, धर्मस्थयी, कंटक शोधन क्या है, कंटक शोधन ऐसा न्यायालय जिसमें फौजदारी मामला का सुनवाई होता था, फौजदारी मामले का सुनवाई कहाँ होता था, तो कंटक शोधन न्यायालय में, और दीवानी मामले का सुनवाई होता था धर्मस्थयी में, ठीक है। तो फौजदारी मामले में आपराधिक मामला सब जो है फौजदारी मामले के अंतर्गत आता है, तो आपराधिक मामले जो है आपका कंटक शोधन में सुनवाई होता था, दीवानी धन संपत्ति जगह जमीन जायदाद ये सब आपका धर्मस्थयी न्यायालय में इसका सुनवाई होता था, ठीक है। आगे है गुप्तचर, महामात्या परसर्प गुप्तचर विभाग का हेड होता था, महामात्या परसर्प गुप्तचर विभाग का हेड होता था, ठीक। और गुप्तचर जो है यहाँ पे दो प्रकार का होता था, गुप्तचर दो प्रकार का, एक होता था संस्था और एक होता था संचार। संस्था होता था कि एक ही जगह पर रहकर जासूसी करने वाले को, एक ही जगह पर रहकर गुप्तचारी करने वाले को संस्था कहा जाता था, क्या कहा जाता था, संस्था कहा जाता था। जबकि घूम घूम कर एक जगह से दूसरे जगह जाकर गुप्तचारी करने वाले को, जासूसी करने वाले को संचार कहा जाता था, क्या कहा जाता था, संचार। तो गुप्तचर कितने प्रकार हो गया, दो प्रकार का, एक हो गया आपका संस्था, दूसरा हो गया संचार, ठीक है। तो संस्था में एक ही जगह रहकर गुप्तचारी करेगा, एक ही जगह रहकर जासूसी करेगा, और संचार क्या है, घूम घूम कर जासूसी करने वाले को संचार कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि गूढ़ पुरुष, एक है गूढ़ पुरुष जो कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगर प्रशासन कि नगर प्रशासन क्या था, नगर प्रशासन का स्थिति क्या था उस समय। तो मेगास्थनीज का कहना है कि नगर प्रशासन के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए 6 समितियां बनाई गई थी, कितने समितियां बनाई गई थी, 6 समितियां बनाई गई थी, ठीक है। और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करता था, ठीक है। 6 समितियां बनाई गई थी नगर प्रशासन के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, क्योंकि नगर प्रशासन के शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए एक अलग फैसिलिटी, एक अलग व्यवस्था किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण एक अलग व्यवस्था किया गया था, 6 समितियां बनाया गया था, ठीक है। मेगास्थनीज का कहना है, मेगास्थनीज का एक किताब है इंडिका में ही उन्होंने इसको वर्णन किया है, ठीक है, मौर्यकालीन समाज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मौर्य समाज कि मौर्य समाज के साथ होगा, सामाजिक स्थिति कैसा था। सामाजिक स्थिति हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है मौर्यकालीन समाज में, मौर्य साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था था, और वर्ण जो है आपका निर्धारित होता था जन्म के आधार पर, कैसे होता था, तो जन्म के आधार पर वर्ण इसका निर्धारित होता था। और कौटिल्य का कहना है कि वर्ण जो है 4 वर्णों में विभक्त था, मौर्यकालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, कौन कौन, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में विभक्त था, कौटिल्य का कहना है, ठीक। और मेगास्थनीज
मेगास्थनीज का कहना है कि मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में? तो 7 वर्गों में। कौन कौन? एक है दार्शनिक, दूसरा किसान, कारीगर, सैनिक, अहीर, निरीक्षक, सभासद। इन 7 वर्गों में विभक्त था मेगास्थनीज के अनुसार से, मेगास्थनीज के किताब इंडिका के अनुसार से, ठीक है, कोटिल के अनुसार से 4 वर्णों में। ठीक, आगे देखते हैं कि कोटिल का कहना है कि दास प्रथा का प्रचलन था, ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज का कहना है कि दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, आगे है कि तलाक प्रथा, तलाक प्रथा का प्रचलन था, वैश्यावृत्ति होती थी, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से, खुलेआम जिसको कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कोई पाबंदी नहीं हो, इस तरह के महिलाओं को वैश्यावृत्ति, महिला वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। और गणिका जो है, वैश्या को उस समय गणिका कहा जाता था, वैश्या को क्या कहा जाता था? तो गणिका कहा जाता था। ठीक, आगे है अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति कैसा था इसका? तो आर्थिक स्थिति इसका बहुत ही मजबूत था। इसका मुख्य पेशा देखा जाए तो मुख्य पेशा मौर्य साम्राज्य का कृषि था, ठीक है, और कृषि था, लेकिन अन्य में पशुपालन भी होता था, वाणिज्य व्यापार भी होता था, उद्योग भी था, ठीक है, और इसका व्यापार जो है आंतरिक होता था और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होता था, विदेशों में भी इसका व्यापार होता था, विदेश के साथ भी इसका व्यापार होता था, ठीक है, और व्यापार इसका प्रणाली इसका क्या था? मुद्रा के द्वारा व्यापार होता था, ठीक है, मुद्रा के द्वारा। आगे देखते हैं, इसका एक उद्योग है वस्त्र उद्योग भी था, और भूमि कर जो है, इसमें मौर्य साम्राज्य में क्या 2 प्रकार का कर था, एक था बलि, एक क्या था? बलि, और दूसरा है भाग। ये 2 प्रकार का कर हुआ करता था, ठीक है। तो भूमि कर देखते हैं, भूमि कर कितना लिया जाता था? 1/6 से लेके 1/4 तक भूमि कर लिया जाता था, और सिंचाई कर 1/5 से 1/3 लिया जाता था, ठीक है। तो इसमें है कि बलि और भाग जो कर था, तो कर को चुराने वाला, कर को क्या कहते हैं, नहीं चुकाने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया था। अगर कोई व्यक्ति कर नहीं देता है, कर छुपाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। एक प्रमुख बंदरगाह था भड़ोच, पश्चिमी तट पे गुजरात में था भड़ोच, ठीक है। एक बंदरगाह ताम्रलिप्ति जो पूर्वी तट में था, विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए इस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था, ठीक है। और है निस्क किसको कहा जाता था? सोने के सिक्के को निस्क कहा जाता था, या सुवर्ण, सोने के सिक्के को निस्क या सुवर्ण कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को कसारपन कहा जाता था, और मौर्य साम्राज्य का मुद्रा क्या था? तो मौर्य साम्राज्य का मुद्रा था पन था, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक है सीता भूमि, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, और एक है अदेव मात्रिक कि ऐसे भूमि बिना वर्षा का अच्छी उपज देने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने मौर्य प्रशासन को अच्छी तरह से पढ़ा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।